नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप मेघवाल। आज हम राजस्थान जीके का इम्पोर्टेंट जो प्रश्न है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए वो हमने सीरीज शुरू की। आज का हमारा भाग नंबर 2 है और दूसरे भाग में हम करवाएंगे कि आपको राजस्थान से टॉप 20 क्वेश्चंस। सबसे पहले हम बात करते हैं, निम्न में से राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, राजस्थान की वह कौन सी नदी है जिसका अपवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो वह नदी चंबल है। इंग्लैंड की महारानी मैरी की दिसंबर 1911 में भारतीय यात्रा के सम्मानार्थ क्वीन मैरी जन्ना घाट का निर्माण कहाँ किया गया था, पुदुवई गया था, पुष्कर के सरोवर में, पुष्कर में किया गया था। दूसरी हम बात करते हैं, राजस्थान राज्य का किस प्रशासनिक संभाग का अपवाद क्षेत्र अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है, तो ऐसा कौन सा जिला भाई उदयपुर है। डूंगरपुर में स्थित नौलखा बावड़ी 1586 में इसका निर्माण करवाया गया था, तो रानी परमिल देवी ने करवाया था। निम्न में से किस जिले का अपवाद समूह जिला समूह बनास नदी के से नहीं गुजरती, ऐसे कौन से जिले हैं निम्नलिखित में से जहाँ से बनास नदी नहीं गुजरती। इससे तो सबसे पहले उदयपुर, बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, ये 4 ऐसे जिले हैं जहाँ से बनास नदी नहीं गुजरती। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, भाई सबसे इम्पोर्टेंट प्रस्ताव है। चुलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, चंबल नदी पर। और चंबल नदी के बारे में विषय में पढ़ा था कि राजस्थान की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी है। निम्न झीलों में से कौन सी झील है जो सबसे अधिक खारी है या खारा है, तो डिडवाना झील ऐसी सबसे खारी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन वाला, राजस्थान जो ज़िला है, राजस्थान जो राज्य है उसका कौन सा ऐसा ज़िला है जहाँ त्रिवेणी संगम है। तो राजस्थान में त्रिवेणी संगम अगर पूछा जाए तो डूंगरपुर है, और भारत में पूछा जाए तो इलाहाबाद में है। तो इलाहाबाद तो भारत का है, और राजस्थान का जिक्र करा तो अगर जिक्र करते हैं तो डूंगरपुर है। निम्नलिखित में से कौन से खारे पानी की झील जो नागौर ज़िले में स्थित है, भाई नागौर ज़िले में कौन झील है, पंचपदरा झील ऐसी है जो खारे पानी की झील है। अगर नागौर ज़िले की पूछ जाए तो पंचपदरा, राजस्थान की पूछ जाए तो कौन सी है, डिडवाना झील। बिसलपुर परियोजना किस नदी इससे संबंधित है, भाई सबसे इम्पोर्टेंट बनास नदी है, बनास नदी पर स्थित है। माही बजाज सागर परियोजना किन दो राज्यों के ऊपर है, भाई देखो हम राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं, तो पहला जो ज़िला हमारा हुआ राजस्थान, दूसरा हम बात करते हैं तो दूसरे के साथ कौन सा ऐसा ज़िला जो ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, तो भाई राजस्थान के साथ कौन सा, गुजरात ऐसी राज्य है जो इसके साथ दोनों राज्य मिलकर माही बजाज परियोजना का संयुक्त उपक्रम स्थापित कर रखा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इंदिरा गांधी नहर का निर्माण 1958 में किस स्थान से आरंभ किया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इंदिरा गांधी जो नहर है उसका निर्माण 1958 में किस कहाँ से आरंभ किया गया था, भाई तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सतलुज व्यास नदी के हीरकबंद बांध। अब सीधी सी बात, हीरकबंद बांध कहाँ है, राजस्थान में है। सतलुज व्यास नदी का एक संयुक्त प्रयोग से इंदिरा गांधी नहर का निर्माण हुआ है। राजस्थान में कौन सा से कस्बे हैं जिसका साधारण धरातल स्तर उसके पास की नदी के पटे स्तर से नीचे हैं, तो ऐसा कौन सा ज़िला, भाई बालोतरा, कौन सा, बालोतरा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, पहले जब घर घग्गर नदी बाढ़ के उफान होता है तब तक पहुँच जाती है, अनूपगढ़ पहुँच जाती है। अनूपगढ़ कहाँ, अनूपगढ़ राजस्थान का एक ज़िला है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला क्वेश्चन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, चंबल नदी पर निर्मित गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है। भाई चंबल जो नदी है, गांधी सागर बांध कहाँ से, मध्य प्रदेश में स्थित है। इंदिरा गांधी नहर किन नदियों के जल का प्रयोग किया जाता है, सतलुज और व्यास जो दोनों नदियाँ हैं इन दोनों का जल से निर्माण किया गया। अभी जो इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी का प्रवाह कहाँ से आता है, तो सतलुज और व्यास जो नदी हैं उनका पानी का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई,
कपास है। और एक और इम्पोर्टेंट बात हूँ, राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी फसल होती है? बाजरा होती है। राजस्थान में किस फसल को देश का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है? देखिए ये क्वेश्चन आ गया अगला हमारा बाजरा। तो बाजरा ऐसा फसल है जो राजस्थान में सबसे अधिक मात्रा में होता है, क्योंकि बाजरा अच्छा कौन सी प्रक्रिया जिसके कारण पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय बन जाती हैं? तो जल प्रवाह के कारण ऐसा होता है। ऐसी कौन सा कारण है जिसकी राजस्थान की मिट्टियाँ खट्टी तथा अक्षारीय बन जाती हैं? तो जल प्रवाह के कारण हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सेम किस स्थिति से संबंधित है? ये होते हैं पारिस्थितिक तंत्र जो बात करते हैं, पारिस्थितिक तंत्र उसे संबंधित है। सेम का मतलब क्या है कि देसी भाषा में कहा तो नूनी लगना, जमीन से नूनी आना, वो कहती सेम कहलाती है। अगला जो प्रश्न हमारा राजस्थान जीके में 25 क्वेश्चन करेंगे आज, तो खसरा संबंधित किससे है? खसरा होता भूमि से। जब भूमि को मापते हैं तो पटवारी खसरा का प्रयोग करता है, और खसरा एक नक्शा टाइप का होता है जो पटवारी भूमि को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से कृषि जलवायु खंड में सोयाबीन के लिए फसल के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है? आर्द्र दक्षिणी पूर्व मैदान खंड मानी जाती है। हाल ही में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पाइस पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो जोधपुर में स्थापित किया गया। खरीफ उत्पादन में किस फसल का स्थान प्रमुख स्थान है? तो खरीफ उत्पादन फसल का चावल का उत्पादन है। किस खुशबूदार उपज का उत्पादन नागौर के लिए पसंद है? तो पूरे भारत में जो नागौर की मेथी है वो मसालों के तौर पर प्रयोग की जाती है, तो मेथी का उत्पादन में खुशबूदार तो नागौर है। नागौर के मसाले बहुत ही राजस्थान के मसाले बहुत ही मशहूर हैं। और राजस्थान के किस शहर में कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम बात करें तो राजस्थान में ऐसा कौन सा ज़िला जहाँ कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? तो बीकानेर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, भारत के महलों का शहर किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उदयपुर को भारत के महलों का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न से उष्ण प्रकार की वनस्पतियों के कौन सी राज्य राजस्थान से नहीं है? उष्ण कटिबंधीय तर पतझड़ी फसल है जो राजस्थान से के प्राय नहीं है। राजस्थान की भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? उड़द की फसल उगाई जाती है। उड़द की दाड़े जो बोने से प्रत्येक जो भूमि होती है उसके अंदर नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। तो राजस्थान में ऐसा कौन सी प्रकार की उड़द की खेती की जाती है? राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान के अंदर राजस्थान में कहाँ स्थित है? सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न भाई, भारत का इम्पोर्टेंट नेशनल जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शस्य अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो भाई सीहोर में स्थित है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिस जिला है इसबगोल जीरा टमाटर की उपज के लिए प्रसिद्ध है? जालौर इम्पोर्टेंट जिला है जहाँ राजस्थान में इसबगोल जीरा और टमाटर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इजराइल की सहायता से राजस्थान में शुष्क प्रदेशों में किस फसल को बोया जाता है भाई? किसको इजराइल की सहायता, एक विदेश का है उसने सहायता से, तो कौन सी फसल बोई जाती है? होहोबा या जोजोबा ऐसी फसलें हैं जो इजराइल के सहयोग से बोई जाती हैं। 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य में न्यूनतम पुरुष की साक्षरता वाला सबसे कम है, तो बांसवाड़ा जो ऐसा जिले हैं जहाँ से सबसे कम पढ़े लिखे लोग हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा सत्य कथन है? तो भाई 2011 की साक्षरता दर असत्य कथन है। सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, राजस्थान में 90% लोग नहीं है भाई पढ़े लिखे। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान जो राज्य है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या के आकार में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला जहाँ जनसंख्या सबसे अधिक है तो जयपुर है। जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है। और अभी बात करते हैं राजस्थान राज्य में कौन से ज़िले हैं 2001 से 2011 के मध्य सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, गंगानगर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला प्रतिशत वाला जिला कौन, सबसे अधिक साक्षरता प्रतिशत कोटा है। कोटा का ऐसा ज़िला है जहाँ साक्षरता सबसे राजस्थान में सबसे अधिक है। और कोटा को क्या कहा जाता है, राज मेडिकल्स इंस्टीट्यूट क्यों कहा जाता है, यहाँ इंजीनियरिंग तथा मेडिकल के छात्र पूरे भारत देश से आते हैं। राज्य के सबसे कम व सबसे अधिक जनसंख्या वाला का राज्य को जैसलमेर तथा जयपुर, जैसलमेर में सबसे कम तथा जयपुर में सबसे अधिक युगम है। अभी अब बात करते हैं 2011 की जो जनगणना के अनुसार राजस्थान में किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम रही है, साक्षरता दर न्यूनतम रही है, तो भाई जालौर। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्थान में 2011 की अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बाड़मेर। देखो भाई इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 2011 की जो में था सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा था, बाड़मेर। और इसी की बात करते हैं सबसे कम जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य गंगानगर, और सबसे जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य जयपुर में। ये थे इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं राजस्थान में जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले राज्य का जिला कौन सा है, कोटा। और कोटा राजस्थान में सबसे पढ़े लिखे लोग भी कोटा में ही हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक लिंग अनुपात, इम्पोर्टेंट प्रश्न, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक लिंग अनुपात किस जिले में भाई, तो प्रतापगढ़ में है। राजस्थान में निम्न से कौन सा युगम उपज नहीं मानी जाती, तो भाई बांस। राजस्थान राज्य में कुल क्षेत्रफल में वन कितने प्रतिशत है, भाई राजस्थान बड़ा है एरिया क्षेत्रफल में पर वहाँ वनों की जो प्रतिशत है 7.8% है। किस वृक्ष में राजस्थान का सागवान कहा जाता है, रोहिड़ा को राजस्थान का सागवान कहा जाता है। और एशिया का श्रेष्ठ जस्ता वशीसा आयशक भंडारण का उपलब्ध कहाँ होता है, भीलवाड़ा व रामपुर अंगुचा में होता है। राजस्थान के किस जिले में 90% एस्बेस्टस उत्पादन का प्रयोग किया जाता है, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और अजमेर में किया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। अगला प्रश्न हमारा राजस्थान निम्नलिखित कौन सा ऐसा दुर्लभ और दुर्लभ पत्थर जो सिर्फ मात्र राजस्थान में पाया जाता है, सिरोज है। और राजस्थान के किस जिले में तांबे की खान है, खेतड़ी कहाँ पड़ती है, सिंगाणा के पास पड़ती है जहाँ तांबे की खान है। जो कॉपर भी बोलते हैं खेतड़ी कहाँ, खेतड़ी सिंगाणा जहाँ सिंगाणी यूनिवर्सिटी है खेतड़ी में, वहीं है जी तांबे की खान। राजस्थान का मुख्य टंगस्टन उत्पादन जो क्षेत्र कहाँ, डेगाना में होता है भाई। मैग्नीज सर्वाधिक राजस्थान में कहाँ होता है, उदयपुर में होता है भाई। और सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के बीच वाला सबसे कम जनसंख्या वृद्धि करी चूर तथा झुंझुनू में। और 2011 की जनसंख्या के अनुसार राजस्थान जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना भाई, 201 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सेवन घास किस जिले में विस्तृत रूप से उगती है, जैसलमेर में सबसे अधिक मात्रा में उगती है। मिट्टी का खारापन अक्सर समस्या क्या है भाई, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करने से ये समस्या उत्पन्न होती है। अब कौन सा कथन से इम्पोर्टेंट बात हुई, राजस्थान के पश्चिमी स्थल में आजकल जिले में आजकल किस भूभाग भरपूर खाद्यान्नों का उत्पादन होता है, सही कथन है। और इंदिरा गांधी नहर तथा जैसलमेर बाड़मेर जिले में सुविधाएं प्रदान करती हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सबसे, राजस्थान में कितने बाघ परियोजनाएं हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में 2 बाघ परियोजनाएं हैं। नेशनल फूड फॉरेस्ट पार्क कहाँ है, जैसलमेर में है। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य कहाँ है, प्रतापगढ़ में है। और राजस्थान में कौन सा अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में कौन राजस्थान राज्य का वृक्ष होगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न भाई, राजस्थान का जो राज्य का वृक्ष कौन सा है, राज्य वृक्ष कौन है, खेजड़ी राजस्थान में बोला जाता है, परंतु हरियाणा में जांडी बोला है इसने, खेजड़ी ने संकट ग्रस्त पादपों के नाम सूची किए जाते हैं, लाल आंकड़ों की पुस्तिका में लाकड़ों आंकड़ों की पुस्तिका में कहते हैं। मृतादेवी मृग वन कहाँ स्थित है, खेजडली में है, खेजडली में है भाई। मानसी बक्कल सोम नदियाँ किस अभयारण्य से गुजरती है भाई, कौन सा अभयारण्य, फुलवारी किन्नाल अभयारण्य भाई। अगला, रखत काकड़ डांग रोद ये सभी क्या हैं, वनों को से संबंधित हैं भाई, क्या भाई, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके का। और क्या क्या, रखत काकड़ और डांग रोद ये सभी क्या हैं, ये हैं वनों के संरक्षण से संबंधित हैं भाई।